नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीज़न टू ऑफ गुड़गांव कमर्शियल रियल एस्टेट। सीज़न वन में 6 बहुत अच्छे वीडियोस थे, वो प्लेलिस्ट में दोबारा छोड़ दूंगा, आप उनमें से देख सकते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन इन पे सीजन्स आते हैं वेब सीरीज़ की तरह, तो दोबारा से ये सीज़न लेकर आया हूँ। क्लियर कट शुरू में ही बताऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा, टीचर की तरह पूरा ज्ञान दूंगा। कितना आप समझते हैं, कितना आप एग्री करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो पे लाइक्स तो मैं चाहता ही हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इस सीरीज़ को इंटरेस्टिंग और पार्टिसिपेटिव बनाने के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्योंकि ऐसे नहीं कि आके मैंने अपनी तरफ से बता दिया, कितना आपने महसूस किया, कितना आपने देखा, कितना आप एग्री करते हैं, और तर्कों पे बात होगी। 5 तर्क इंटरेस्टिंग देने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि मेरी एडवाइस ओपनिंग सेंटेंस क्या है कमर्शियल रियल एस्टेट गुड़गांव का। तो जी, एकदम बहुत ही छोटी सी और क्लियर एडवाइस है, डू नॉट बाय एनी कमर्शियल रियल एस्टेट इन गुड़गांव। दिसंबर 2021 का मैं बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। तो बोलेंगे अरे पूरा कमर्शियल, ना हुड्डा की दुकान, ना व्यापार केंद्र की दुकान, ना SCO, ना मॉल, ना हाई स्ट्रीट रिटेल, ना अफोर्डेबल हाउसिंग, कुछ भी नहीं, ना वर्चुअल स्पेस, ना ऑफिस स्पेस, कुछ भी नहीं, किसी भी तरह की नहीं। बहुत ही क्लियर करके बता रहा हूँ। और इस सीरीज़ का मे भी पता नहीं कितने एपिसोड बनेंगे, हो सकता है 10 बने, 10 के एंड में एकदम क्लियर होता चला जाएगा तर्क संगत। रीज़न क्या, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि शहर का नाम खराब हो, जैसे ग्रेटर नोएडा का नाम खराब हुआ क्योंकि लोगों का पैसा फंसा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, लेकिन फ्लैट नहीं मिले जो 38,000, 40,000, 42,000। अब NBC पकड़ाएगा अगले 6-8-10 महीने में, गूगल करके देख लो। तो मन खट्टा क्यों हुआ? एक अच्छी जगह का जो देखने में अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी स्टोरियां दिख रही थी, लेकिन खट्टा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों का पैसा फंस गया। जिस शहर में लोगों का पैसा डूबता है, फंसता है, उस शहर से खटास आती है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि इस गुरु के गाँव में खटास ना आए लोगों की। तो मैं अपना तरसंगत बातें करूंगा, मेरे को किसी के पेट पे लात मारने की मेरे को कोई मंशा नहीं है। बहुत लोग अफेक्ट होते हैं नेगेटिवली, मैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा तर्कसंगत बातों को बताएं एंड शास्त्रार्थ करें। 4 तरह का ऑडियंस हो सकता है। पहला, जो सुन रहे हैं आप लोग कि कमर्शियल रियल एस्टेट लेकर फंस चुके हैं कहीं ऑलरेडी एंड पछता रहे हैं, ये लोग कभी सामने नहीं आएंगे। आ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपका हाथ जोड़ के शुक्रिया करूंगा कि जी हम इस वाले में वहाँ वाले में फंसे थे, अप्पू घर में पता नहीं कितने फंसे हुए हैं, कोई मुंह भी नहीं खोलता, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, खोलने में कोई फ़ायदा लगता नहीं, उनको बड़ी बेइज्जती फील होती है कि हमने रियल एस्टेट ऐसा डिसीजन लिया। क्योंकि कमर्शियल में डालने वाले लोग कहीं से भी आम आदमी और गरीब आदमी नहीं होते, ये भी एक फैक्ट है। तो उनका जो ऑरा है वो ज़रूर गिरता है, लेकिन अगर किसी में हिम्मत है दूसरों की मदद करने की, तो मैं चाहूँगा प्लीज़ लिखें, पर मुझे उस पर डाउट है। दूसरा है, आपने ले रखा है कहीं पे, पोजीशन मिलने वाला है, मिल चुका है, और आपका एक नोशनल गेन 9-10,000 11,000 रुपये स्क्वायर फीट पे लिया था, 18,000 20,000 25,000 30,000 40,000 का भाव नोशनल आप देख रहे हैं। आप ये कैटेगरी में हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हो सकते हैं जहाँ पे वो लीजिंग वाले इम्प्लॉयज़ भी रहते हैं, और वो बोलते हैं अब हल्दीराम आने वाला है, कमिंग सून, कैफ़े कॉफ़ी डे कमिंग सून, हमने टाइप कर लिया है रेंटल 100 रुपये, 80 रुपये, 75, 125, 150, ये वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं आप में से, और वो कितने हैं बताना, कि जिनको बोला गया था 4 साल तक आपको इतना पैसा मिलेगा, 4 साल तक में पोजीशन मिलेगा, और हर महीने इतना इतना मिलेगा, पूरी इस तरह करके स्टोरी बताई थी, उसमें 2 साल में पोजीशन हो गया, 2.5 में ही हो गया, 1.5 से 2 साल पहले पोजीशन जल्दी दे दिया, अब तो नहीं रो सकते क्योंकि पैसा तो पोजीशन तक देना था, तो पोजीशन जल्दी दे दिया अब उसने, ठीक है। तो ऐसे वाले कितने बताना। तीसरी कैटेगरी है जो खरीदना चाहते हैं,
उनके लिए तो बहुत स्पेसिफिक है। और चौथी कैटेगरी है जो मज़े लेना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं और देखते हैं कि कहाँ क्या सीखने को मिलता है। तो चौथी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी के आप हैं प्लीज़ वो कैटेगरी का नंबर भी लिख देना, ठीक है। अब मैं आप बताना चाहता हूँ, ये दिसंबर जनवरी फरवरी का महीना शुरू हो रहा है, सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो इस कमर्शियल के प्रो में चीज़ें बहुत आएंगी और हमारे जैसे जो एंटी करेंगे हमें बहुत विरोध का सामना करना पड़ेगा। उसका लॉजिक बताता हूँ, समझिए कि ये ऐसा सर्दियों में क्या हो गया। जुलाई अगस्त में तो कुछ नहीं हुआ, वीडियो पिछली बार मेरे मई में बने थे, उसके बाद फिंगर ऑन योर लिप्स था, 5-6 महीने कुछ नहीं हुआ। तो व्हाट हैज हैपेंड इन दिसंबर जनवरी फरवरी, भाई वो है ना इंटरेस्टिंग चीज़, ऐसा क्या हो गया अब सर्दियों में। तो समझिए जी, मॉल्स थी वहाँ खालीपन है बहुत जगह, उसके बाद उसको हाई स्ट्रीट रिटेल बेचा गया। हाई स्ट्रीट रिटेल में तो गर्मी लगती है, बाहर जाते हो आप, ठीक है, दुकानें होती हैं, पर आपको तो बाहर वॉक करना पड़ता है ना। जो गर्मियों में ऑम्बियंस मॉल में जाके शीतलता मिलती है और मज़े से आदमी घूम फिर सकता है, उसका तो मज़ा ही अलग है ना, पर ऐसी सब मॉलों में रौनक नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हाई स्ट्रीट रिटेल हुआ, हाई स्ट्रीट रिटेल के बाद अब नई चीज़ जो आने वाली है और जो बहुत लाइंड अप है, बहुत तरह से उसकी तर्क दे के बताया जाएगा, वो है SEO प्लॉट्स। तो उसको SEO प्लॉट्स को तो मैं आगे आने वाले अपने एपिसोड्स में अकेले कवर कर लूँगा, उसको अच्छे से मैथ समझा दूँगा कि जो लोग उसको रेजिडेंशियल की तरह समझा के बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने का प्लॉट है, इतने स्क्वायर फीट निकल जाएगा, इतने की कॉस्टिंग आएगी, वो मैं क्लियर कर दूँगा। थोड़ा मैंने पिछली सीरीज़ में भी क्लियर किया, आप वो देखना। मैं आज 5 तर्क या कुतर्क लेकर आया हूँ जो बताए जाते हैं कि जब भी रियल कमर्शियल रियल इस्टेट की बात होती है। पहला स्टार्ट करते हैं, यहाँ बहुत रेट बढ़ गए हैं जी, किसने का रेट नहीं बढ़ते। 2016 में इतना था, अब देखो जी 21 में इतना हो गया, उसने 17 में इतना लिया, अब ये इतना हो गया। जी आप ये बताएं कि आगे की एडवाइस आगे की देख के होती है, पीछे देख के होती है? गाड़ी आगे देख के चलती है पीछे देख के? यस, पीछे देखना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट 5%। आप पूरे टाइम गाड़ी अपने रियर व्यू में देखेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आपको जब मोड़ लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं ऊपर देखूं, लेकिन गाड़ी तो आगे देख के चलती है ना। वॉरेन बफे ने बोला है, सबसे टॉप इन्वेस्टर ऑफ द वर्ल्ड, कि इफ़ ओनली पास्ट वॉज टू द गेम देन लाइब्रेरियंस एंड हिस्टोरियंस वुड बी द रिचेस्ट पीपल। इफ़ ओनली पास्ट वॉज टू द गेम, विच गेम? गेम ऑफ इन्वेस्टिंग। तो यू कैन नॉट कम अप एंड से कि इंडिया 120 रन्स पे बैटिंग कर रहा है, एक विकेट गिरा है, 20 ओवर में हमने 120 रन बना लिए हैं, 6 के रन रेट से हम 300 रन बनाएंगे। भैया 150 ऑल आउट भी हो सकता है, पिच टर्न कर जाए या कुछ और कांड हो जाए, 180 पे ऑल आउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आगे का बताना, एज एन एस्ट्रोलॉजर भी बता रहा हूँ एक चीज़, किसी भी क्लाइंट का, किसी भी का पास्ट बताना बड़ा ईजी होता है। और जब आप किसी क्लाइंट को बोलते हो ना, अच्छा तुम्हारे साथ ये हुआ 22वें साल में, 28वें में, वो बिल्कुल आपके आगे ऐसे हो जाता है कि यार इसको मेरा पास्ट पता है तो फ्यूचर बता देगा। मैं एज अ गुड एस्ट्रोलॉजर बता रहा हूँ, फ्यूचर बताना बहुत मुश्किल है, पास्ट बताना बहुत आसान है। मैं अब एस्ट्रोलॉजी की क्लास में नहीं चला जाऊँगा कि इसका कारण क्या है, उसका लॉजिक है, बहुत बढ़िया लॉजिक है, वो कभी एस्ट्रोलॉजी के वीडियो में समझाऊंगा। फ्यूचर प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता, और सबसे लेजी पना तो ये होता है कि बस ये ऐसे आ रहा है और ये आगे चलता जाएगा, कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 10 तो 12 आएगा। ऐसे नहीं होती, लाइफ डजंट वर्क इन दैट वे। एंड कई लोग इसमें ऐसे करेंगे, नहीं, बट ये देखो बढ़ा है, ये मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। देखो जी, सिंपल सी बात है, दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 बार टाइम बताया जाएगा और उस पर चेक किया जाएगा कि कितनी बार सही गलत का सिस्टम है सपोज। तो जो बंद घड़ी है वो भी दिन में बिना चलती हुई, बिना सेल वाली भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखा देगी। तो उस टाइम कोई बुलाए और बोले, भाई साहब आपकी घड़ी में कितना टाइम है? 6 बज रहे। यहाँ कितना बज रहा है? 6 बज रहा। मैंने कहा था ना, कभी कभी ठीक टाइम दिखाती है घड़ी, बिल्कुल ख़राब नहीं है। तो ये वाले तर्क हैं कि 10% दिन में टाइम सही दिखाया उसने, अगर 24 बार टाइम चेक हुआ और 2 बार सही निकला। उसी तरह 3000 कमर्शियल का बड़े बड़े ढांचे हैं, मैं छोटी दुकानों की बात नहीं कर रहा, मॉल लेवल के या कॉम्प्लेक्स लेवल के 3000 से ज़्यादा हैं गुड़गांव में। अगर आप उसका 1% 30 बनता है, 30 भी दिखा दें जिनने अच्छा कर लिया, मैं पिछले 4 साल की बात कर रहा हूँ,
मैं 2004 में क्या हुआ उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो मैं अपना व्यू चेंज कर लूँगा, 1% 10% नहीं, 1%, ठीक है। सो दैट इज़ वन। सेकेंड चीज़ ये है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम अपने इन्वेस्टर को अच्छी चीज़ दिला देंगे, इन्वेस्टर को अच्छी चीज़ दिला देंगे और उसको एग्जिट दिला देंगे। येस, दैट वॉज ट्रू, इट वॉज ए गुड इन्वेस्टमेंट सिस्टम। मैं यहाँ पे मॉरल साइंस टीचर नहीं बन रहा किसी का, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया टाइम था वो, देर वॉज अ टाइम जब आप जो क्लूफुल बंदे थे रियल एस्टेट के, एंड बहुत अच्छे लोग हैं जो ये सब करते थे, कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम है अभी, उन्हीं के लिए प्रॉब्लम है, वो बता रहा हूँ, ठीक है, उसको समझना चाहिए उन सबको भी, कि जब आप एक HNI क्लाइंट को पकड़ते थे जो हाई सोसाइटी में रहता है और बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, उसको बोलते थे भाई साहब ये आ रहा है, आई हैव गॉट ए अर्ली इन्फॉर्मेशन, आप ये वाला खरीद लो, माथे की दुकान खरीद लो, ऐसे खरीद लो, ये अच्छा करेगा, बढ़ेगा, ये स्टोरी है, एंड आपको मैं इस टाइम पे एग्जिट दिला दूंगा, एंड तब तक ये बंदा लेगा तब तक मैं आपको यहाँ डाल दूंगा और इस पैसे को मैं घुमाऊंगा जल्दी, एंड रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे। येस, इट हैपेंड एंड इट वॉज ए गुड थिंग, एंड इफ समबडी हैज डन इट फॉर हिज क्लाइंट्स, इट्स अ एक्सेलेंट थिंग, आई अप्रिशिएट इट, एंड इफ पीपल हैव मेड मनी आउट ऑफ इट, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ आपके साथ। लेकिन अब सुनो, वो जो बाद में लेता था ना, जिसको स्टोरियाँ सुना के आती थी, वो बाद वाला आदमी अब मेरी बातें सुनने लग गया है अनफॉर्चुनेटली। अब मैं भी क्या करूँ, क्योंकि वो दूसरा बंदा भी ले ले वो भी बच जाता था, तीसरा, फंसते कौन है मेरे पास जब ये, मैंने क्यों मुहिम छेड़ी, मेरे को क्या ठेका लेना है, जब मैं एक बार बोल दूं भी कमर्शियल ख़राब है, मैं क्यों यहाँ, मुझे दर्द हुआ जी, ये हिसार, रोहतक, ये यहाँ के लोगों का लिए मेरा थोड़ा दिल ज़्यादा धड़कता है, जींद, ठीक है, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, यहाँ के लोगों का पैसा बहुत मेहनत का अलग तरह का कमाया हुआ है, एंड कईयों के केस में इंश्योरेंस का पैसा मिला है, वो वाला पैसा, पति का पैसा, बेल्ट की नौकरी, बेल्ट की नौकरी आप समझते हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज, वो वाला पैसा महिला का यहाँ डला फंसा, तब दर्द हुआ। तो मैं उन्हीं को मना कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी जिसके पास हेलीकॉप्टर से पैसे फेंकने की क्षमता है या कुछ करने का, प्लीज़ बी माई गेस्ट, प्लीज़ जो लेना है लो, देश आज़ाद है, मैं कौन हो रहा हूँ, मैं अपने ऑडियंस को पकड़ के चल रहा हूँ, मैं अपने ऑडियंस का हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स का हूँ, मैं मिडिल अपर मिडिल क्लास का हूँ, बार बार बोलता हूँ, मैं लोअर क्लास बोलता भी नहीं, मैं रिच क्लास नहीं बोलता, मैंने ऑडियंस डिफाइन कर रखा है, आप नौकरी करने वाले हैं, आपका लोन वोन वाला सिस्टम है, तो आपके लिए एडवाइस है, ये चैनल ही आपके लिए है। अब इसमें कोई इस लेवल से ऊपर का आदमी है, इस लेवल से नीचे का आदमी है, वो बहसबाजी में डल जाएगा, वो उसके लिए तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो आपको बताना है, जो ये म्यूज़िक पार्टी चल रही थी ना, इसका तार निकाल लिया किसी ने, अब वो बाजा बज नहीं रहा, एंड सडनली वो पासिंग द पार्सल वाला खेल खेलते थे ना, जैसे हम बर्थडेज में खेलते हैं बच्चों के, तो जब म्यूज़िक को बंद करता है तो पार्सल अब आपके पास अटक गया, तो कमर्शियल का पार्सल बहुत लोगों का अटक गया वो सीरीज़ के बाद, एंड ये जो चीज़ें बता रहा हूँ इसमें भी वो अटका रहेगा, दोबारा से वो तार जोड़ने की कोशिश करी जा रही है कि तार जोड़ो, पार्टी फिर स्टार्ट करें, और ये पार्सल किसी तरह तो किसी को आगे आगे अब कोई लेने को तैयार नहीं है। इन चीज़ों से आप एग्री कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको समझ, मैं समझा पा रहा हूँ एज ए टीचर, कि आप समझ पा रहे हैं कि ये एक सिस्टम था कि चलने का, बाकी मैं डेटा के साथ मैं आऊँगा, जो डेटा मेरे पास है वो डेटा खुद का लिया हुआ है, वो कहीं का कट कॉपी पेस्ट वाला डेटा नहीं है जो लिपापोती करके दिखाया जाए। तीसरी चीज, एक सवाल पूछा जाता है, तर्क, कोई भी अच्छा नहीं करेगा, कोई भी अच्छा नहीं करेगा, सारे सारे बेकार हो गए, तू सबको बेकार कर देता है। अरे भाई साहब, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन इन्वेस्टमेंट, कि फॉर द अमाउंट ऑफ रिस्क यू आर टेकिंग हाउ मच इज द रिवॉर्ड, तो इसका एक रेशियो है। मैं कहाँ कहता हूँ कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिवॉर्ड के लिए नहीं लेना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, बट वो रेशियो कैन नॉट बी सो आउट कि बिजनेस आप करोगे उसके लिए कमर्शियल मैं खरीदूंगा, मैं अपना पैसा फंसाऊंगा, आप आओगे, आपका चला नहीं चला वाइंड अप करके चले जाओगे, आप अपने भांडे बर्तन लेके आ गए, आप अपने थोड़े कपड़े लेके आ गए, आप अपना थोड़ा सा 10-20-30 लाख का प्रोग्राम लेके आ गए, चला ठीक है, नहीं चला तो सारा रिस्क मेरा, और खाली कमर्शियल का मेंटेनेंस कौन देगा,
जो बन के तैयार हो रखी हैं, दर्द कितना है लोगों का पता है, कितना मेंटेनेंस जा रहा है, वो खाली खड़ी होने का भी कितना पैसा ले रहे हैं, जहाँ कुछ नहीं चल रहा। नहीं, करण अर्जुन आएंगे, आएंगे करण अर्जुन आएंगे, कब आएंगे? लैंडस्केप बहुत अनसर्टन है, कोविड ने बहुत चीज़ें परमानेंट चेंज कर ली हैं। जिन लोगों को सीवियर कोविड हुआ ना, उनको अभी भी रेपरकशंस भुगतने पड़ रहे हैं। अब दुनिया के लिए कोविड कम हो रहा है, कुछ और हो रहा है, लेकिन जिसके हुआ है, जो उसके थ्रू गया है, चीज़ें इरिवर्सिबल चेंज हो चुकी हैं माइंडसेट के अंदर। ये मेरा ओपनिंग सीरीज़ का है, इस पर मैं आगे भी बताऊंगा। इस वाले टॉपिक पे आप कितना एग्री करते हैं आप मुझे बताना। फिर चौथा तर्क दिया जाता है, एक महिला का आया मेरे पास, कहते भाई साहब ये बिल्डर क्या बेवकूफ़ हैं जो इतने बना रहे हैं, आप ही शाणे हो, मतलब आप बता रहे हो तो आप ही शाणे हो, ये क्यों बना रहे हैं, ये बावड़ी बूच हैं जी, ये नहीं है, लेने वाले हैं। और जब तक लेने वाले हैं, बनाने वाले रहेंगे हमेशा, सिंपल सी बात है। जब तक माल चिपकाया जा सकता है किसी तरह का, तो लिया जाएगा। तो एक्चुअल डिमांड नहीं है, एक बताया जा रहा है, somebody has a spare money, he listens to a story, कोई उसका कनेक्शन नहीं है। आगे क्या होगा वो आगे वीडियोस में इस चीज़ को मैं बताऊंगा। और पांचवा, आई विल फिनिश विद माई ओन तर्क, एंड इस तर्क को अगर आप काउंटर करते हैं, कर सकते हैं, कोई लॉजिक है तो प्लीज़ करिए, मोस्ट वेलकम। ये पूरा वीडियो पे जो ये पांच बातें बताई हैं और थोड़ी पहले की बताई हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ, ऑल कमेंट्स आर वेलकम। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कमेंट्स की बौछार कर दो आप लोग, तभी तो, क्योंकि 10-15 कमेंट तो आप मैनेज कर लोगे किसी यार दोस्त के अपना नैरेटिव करने के लिए, अपना एम्प्लॉई, कोई अपना दोस्त, 10-15 तो मैनेज हो जाते हैं, 15 तक हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ 100, 200, 300, 400 इतने कमेंट्स आप डालो हर तरह के, कि कैसा लगा, चाहे आपको कमर्शियल लेना है नहीं लेना। मेरा आखिरी तर्क, अगर ये इतना अच्छा होता तो शकूर जी, शोभा, गोदरेज, ये क्यों नहीं ला रहे कमर्शियल? अब लोग बोलेंगे नहीं 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 डीएलएफ, अरे डीएलएफ ला के बेचता है क्या? डीएलएफ अपना बनाता है, कुछ लीज पे दे देता है, सारा वो उनने जो साइबर सिटी बसा रखा है वो सर्वाइव इसलिए करे। डीएलएफ पे भी वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छा, कि हाउ दैट कंपनी यूज देयर दिमाग, एंड जो उनके स्ट्रैटेजिक एसेट्स थे दे नेवर सोल्ड, जो भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी उनने हमेशा रोटी खाई है उसकी, एंड वही मॉडल वर्क करता है कमर्शियल में। कमर्शियल में रिटेल का पार्टिसिपेशन शुड नॉट बी देयर। अगर आपको बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन की किसी को चूले तो रीट्स करके समझाऊंगा आपको, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट समझाऊंगा, अगर आप ऑडियंस चाहते हो कि नहीं हमें तो ये खानी है, तो फिर आपको खुद अकेले क्यों, एक में क्यों फंसना है? आपके पास करोड़ रुपया है लगाने के लिए कमर्शियल में, वाई कांट यू अप्लाई इन अ कमर्शियल विच इज स्प्रेड आउट, विच इज इंस्टीट्यूशनली मैनेज्ड? क्या आप वो जानना चाहते हैं, क्या आप वो जानना चाहते हैं, या आप ये ओल्ड मॉम एंड पॉप स्टोर टाइप स्टोरी ही खेलना चाहते हैं, कि मैं ही लूंगा, मैं ताला लगाऊंगा, ये मेरी दुकान, ये मेरा कमर्शियल? एडवाइस क्लियर है, कुछ कमर्शियल नहीं लेना, रिस्क रिवॉर्ड रेशो इज नॉट इन फेवर। वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट करना, मोर टू कम, मच मच मोर टू कम, पूरी क्लैरिटी मिलेगी आपको, विद डेटा मिलेगी, तर्क संगत मिलेगी, कुतर्क कोई नहीं दिया जाएगा। आप कोई तर्क देना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए। आई वांट द हिंटरलैंड ऑफ हरियाणा, हिंटरलैंड ऑफ हरियाणा इज महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, झज्जर, रोहतक, भिवानी, हिसार तक मेरी आवाज़ पहुँचे, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, क्योंकि अल्टीमेटली गुड़गांव अपील करता है एंड अच्छा शहर है और बहुत अच्छा करेगा, हो सकता है 10 साल में इंडिया का बहुत टॉप शहर एमर्ज करके निकले। लेकिन कमर्शियल स्टोरी राइट नाउ कैन बी अवॉइडेड बाय द रिटेल इन्वेस्टर। थैंक यू।